हाय दोस्तों कैसे हैं आप हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी आज फिर हाजिर है एक नई क्लास के साथ और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं नवोदय प्रवेश परीक्षा 2025 की तैयारी करने वाले उन बच्चों के साथ जो नवोदय एंट्रेंस एग्जाम पास करना चाहते हैं आज एक नई क्लास के साथ है और आज की क्लास में हम बात करेंगे प्रथम यन प्राकृतिक संख्याओं के योगफल की तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और आज की क्लास का जो पहली टॉपिक है प्रथम यन प्राकृतिक संख्याओं का योगफल इसको सूत्र भी होता है सूत्र जो होता है एक लाइन का होता है एन एन प्लस वन अपान टू ये फार्मूला है बट फार्मूले का बिना उपयोग किए भी इसको लगाया जा सकता है जैसे हमारा पहला क्वेश्चन यहां पे अगर हम ले ले प्रथम यन का मतलब क्या होता है यह भी समझना बहुत जरूरी है प्रथम यन का मतलब होता है प्रथम का मतलब एक से स्टार्ट होगा साथ में प्राकृतिक जुड़ा हुआ है तो प्राकृतिक संख्या के बारे में पहले से जानकारी है कि प्राकृतिक संख्याएं हमारी होती हैं गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं तो जब ये एक से स्टार्ट होगा तो सिंपल सी बात है कि एक से चलेगा जैसे एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार प्लस पांच डाट 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 कहां भी जा सकता है मान लीजिए बीस तक मतलब ये हो जाएगा प्रथम बीस प्राकृतिक संख्याओं का योगफल तो यन का मतलब यही है कि जहां तक आप बोलेंगे प्रथम से तो तात्पर्य हो गया कि एक से ही स्टार्ट करना है लेकिन यन का मतलब है कि कहां तक ले जाना है वो यन का मतलब यहां पे हो जाएगा बीस तक ले जाना है तो सवाल हमारा हो जाएगा प्रथम बीस प्राकृतिक संख्याओं का योगफल इसी को हम इस प्रकार से भी सवाल दिया जा सकता है कि एक धन दो धन तीन धन चार धन पांच डाट 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 बीस बराबर क्वेश्चन मार्क इसका भी मतलब यही है कि आपको 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालना है आगे इस सवाल को आप दूसरे शब्दों में कह सकता है कि एक से बीस तक की एक से बीस तक की प्राकृतिक संख्या का योगफल बताइए प्राकृतिक संख्या का योगफल बताइए संख्या का योगफल बताइए योगफल बताइए मतलब सवाल एक है पूछने के तरीके इसके तीन हो सकते हैं पहला है कि प्रथम प्राकृतिक संख्या का मतलब केवल यहां लिख दीजिए प्रथम प्राकृतिक संख्या का योगफल बताइए पहला तरीका दूसरा हो सकता है, धन, धन, चार, चार है बीस तक तीसरा हो सकता है हिंदी में लिखेगा एक से बीस तक की प्राकृतिक संख्या का योगफल बताइए तीनों का सेंस एक ही है तीनों का मतलब एक ही है तीनों के लगाने के फार्मूले की बात करेंगे तो यही फार्मूला है एन एन प्लस वन अपान टू एन एन प्लस वन अपान टू एन का तात्पर्य मैंने पहले ही बता दिया कहां तक बोला है जैसे इसमें आप देख पा रहे होंगे तो का मतलब बीस यहां देख पा रहे होंगे तो बीस तक बोला है तो बीस इसमें भी देख पा रहे होंगे बीस तक बोला है तो बीस और इसमें हम केवल एन की जगह पर बीस रख दे बीस बीस धन एक यहां पर हो जाएगा आपका दो हल कर पा रहे हैं तो बीस अब ध्यान देंगे यन और इस ट छोटा ब्रैकेट आपको दिखाई दे रहा होगा दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो यहां पे गुड़े का चिन्ह लगता है तो यह हो जाएगा बीस गूड़े बीस और एक जोड़ देंगे तो कोष्टक को हटा दिया बटा दो।, दो से काटेंगे तो दस बार में कटेगा बीस और यहां पे दस का गुणा अगर इक्कीस में कर दे तो दो सौ दस आपका आंसर आ जाएगा एक लगाने का तरीका ये हो सकता है दूसरे तरीके पे अगर बात करें तो केवल सवाल को हमको देखना है भाई चीज वही करनी है बट उसमें ये फोकस नहीं करना है कि हमको सूत्र याद ही रहे सूत्र नहीं भी याद हो तो हमारा काम चल जाएगा जब ऐसा सवाल लिखा हो कि एक से बीस तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताए तो जहां तक बोला इसको ध्यान से देखिए बगल में इसके सॉल्व कर रहा हूं जैसे बीस बोला है बीस और बीस से एक ज्यादा का गुणा कर दीजिएगा इक्कीस और इसमें दो से भाग दे दीजिएगा देखिए यंग का मान जो यहां पर बीस है उस बीस और उससे एक ज्यादा का उसमें गुड़ा कर दीजिएगा बीस बोला तो बीस से एक ज़्यादा का गुड़ा कर दिया और फिर दो से भाग दे दिया तो लाइन थोड़ा ज्यादा जाना होगा इसमें आपको बहुत जल्दी आ जाएगा आंसर और ज्यादा मेहनत भी आपको नहीं करने हैं इसलिए क्योंकि इसमें जितना तक बोला उससे एक ज्यादा का गुड़ा करना बस ये दिमाग में आप बात रखिए पच्चीस तक बोलेगा प्रथम पच्चीस प्राकृतिक संख्याओं का योगफल या एक से पच्चीस तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल या एक धन दो धन तीन धन चार धन पांच बराबर पच्चीस बोलेगा तो हम पच्चीस में एक ज्यादा का गुड़ा जैसे हम सवाल अगर अगला चेंज कर दें यहां पे पच्चीस लिख दें ध्यान दीजिएगा यहां पर पच्चीस हो जाए ध्यान दीजिएगा और यहां पर पच्चीस हो जाएगा तो ध्यान दीजिएगा बस थोड़ा सा काम करना है कि यहां पे हमने लिखा 25 और 25 से एक ज्यादा हमने 26 का गुणा कर दिया और दो से हमने भाग दे दिया अब हम दो से देखेंगे 25 तो नहीं कटता लेकिन 26 कटेगा तेरह बार में और तेरह बार में चुकी कट जाता है दो से काटेंगे तो छब्बीस का आधा दो से काटने का मतलब होता है कि आधा कर देना है तो छब्बीस का आधा आपका होता है तेरह तेरह का गुणा करेंगे तेरह पच्चे पैंसठ को पांच हासिल कितना होता है छह हासिल कितना होगा छह, तेरह पच्चे पैंसठ को पांच हासिल छह, तेरह दुना के छब्बीस और छब्बीस में छह जोड़ते हैं तो कितना आता है बत्तीस आ जाएगा और ये आपका तीन सौ पच्चीस आपका आंसर हो जाएगा मतलब इसका बिना उपयोग किए हम बहुत आराम से लगा पा रहे हैं तो इसकी कोई हमको जरूरत नहीं समझ रहे हैं हम सीधे बात करेंगे अगर प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योगफल की बात करेगा तो हम जितनी प्राकृतिक संख्याओं की बात करेगा उतना उसमें एक बढ़ा करके गुड़ा और फिर दो से भाग दे देंगे आंसर अपने आप आ जाएगा नोट कर लीजिए आइए आज दूसरी टॉपिक आज की देखते हैं कि प्रथम प्राकृतिक लेके ले आएंगे तो यहां पे हम क्वेश्चन ज्यादा करवाने वाले नहीं है केवल मतलब टॉपिक का समझा रहे हैं कि इसका क्या मतलब है अगर इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो हमें क्या करना होगा बस ये कहानी और उसे सॉल्व करना उसे और उस पर आधारित सवाल देखना है। ये नेक्स्ट क्लास में हम हम करेंगे तो यहां पे हम अगली टॉपिक लिए प्रथम प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल अभी पिछली क्लास जो पिछली टॉपिक थी हमारी प्राकृतिक संख्या केवल थी मतलब गिनती की संख्या और यहां पे है प्रथम यन प्राकृतिक सम तो सम का मतलब पहले आप समझे कि सम का मतलब ये होता है कि ऐसी संख्या जो दो से कट जाए जो दो से कट जाए मतलब जो दो लोगों में बराबर बट जाए वो सम संख्या होती है तो अब इसके पहले जो फार्मूला हमारा था वो फार्मूला था प्रथम यन प्राकृतिक संख्याओं का अब जो फार्मूला हमारा है वो है प्रथम यन प्राकृतिक सम तो सम हो जाएगा तो ध्यान देंगे यहां पे फार्मूला केवल ये रह जाएगा यन यन प्लस वन यन एन प्लस वन ये फार्मूला हो जाएगा अगर जैसे मैं मैं क्वेश्चन एक लेने की बात करूं यन का मतलब तो मैं आपको समझा ही चुका हूं फिर अगर क्वेश्चन कोई मान लीजिए बीस यहां पर लिख देता हूं कि प्रथम बीस प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। यहां पे समझना आपको थोड़ा सा कठिन हो सकता है यहां पे समझना थोड़ा सा कठिन हो सकता है पिछले सवाल की तरह यहां पे प्रथम बीस प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का मतलब बदल गया अगर बोलेंगे तो यहां पर ये बीस लेंगे अगर इस सवाल को दूसरे तरीके से कोई देगा तो कैसे दे सकता है उसको समझिए वो ऐसे देगा दो प्लस चार प्लस छ प्लस आठ डाट 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 प्लस चालीस प्लस क्या लिखेगा चालीस बीस नहीं अब आएगा क्यों क्योंकि अगर वो दो से बीस तक लिखेगा तो दस ही संख्या आएगी आपको गिनती आती होगी तो आप लिखते होंगे एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस मैं दस तक केवल समझा रहा हूं आपको अगर इसमें समसंख्या छाटेंगे तो एक दो तीन चार पांच मतलब दस तक की संख्या हम ले रहे हैं तो केवल और केवल उसमें चार आपको संख्या आ रही है और केवल चार सम संख्या अगर हम लिखेंगे कहेंगे प्रथम चार पांच सम समसंख्याओं सॉरी चार नहीं पांच आ रहा है प्रथम पांच सम संख्याओं का योगफल बताओ तो वो अलग चीज है कि एन बराबर पांच हो जाएगा लेकिन अगर हमको लिख के देगा तो दो धन चार धन 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 दस तक देना पड़ेगा क्योंकि दस तक जाएंगे तभी हमको पांच सम संख्याएं मिलेंगी गिनती में दस तक जाएंगे अब देखिए यहां पे दो धन चार धन छठ धन चालीस तक जाएंगे तभी ये संख्याएं हमारी कितनी हो पाएंगी एन बराबर बीस मिलेंगी इसमें यन बराबर बीस क्योंकि हम बीच बीच में छोड़ दे रहे हैं अभी सम को केवल सम को ले रहा है तो ध्यान देने की यहां पे जरूरत आपको जरूर पड़ेगी कि उस सवाल को यदि ऐसे लिखा हुआ है ध्यान से देखिए इसी सवाल को ऐसे लिखा भी जा सकता है कि दो धन चार धन छह धन आठ धन ऐसे ऐसे चालीस तब पूछेगा क्वेश्चन मार्क तो आप देख के समझेंगे लिया किसको है एक केवल उन्हीं को लिया है जो दो से कट रहा है इसका मतलब दो से कटने वाली संख्याएं चालीस तक हम लेंगे तो कैठो मिलेंगी बीस मिलेंगी दो से कटने का मतलब क्या होता है सम संख्या और सम संख्या का सूत्र क्या बताया गया N, N +1. तो है एन एन प्लस वन ये तो फार्मूला है बिना फार्मूले का मैं बार बार कह रहा हूं बिना फार्मूले का इसे बहुत आसानी से लगाया जा सकता है तो ठीक है की जगह पर हम रख देंगे बीस और गुड़े यहां पर बीस धन एक रख देंगे फिर सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा अब इसी को तीसरे तरीके से कैसे लिखा जा सकता है यह भी ध्यान से समझिए ये लिखा जा सकता है कि एक से चालीस तक की सभी सम संख्याओं का योगफल बताइए सम संख्याओं का योगफल बताइए ये तीन तरीके से मैं बार बार चिल्ला रहा हूं ये एग्जाम में आएगा आप गलत करेंगे आपको कंफ्यूजन होगा इसलिए तीनों बातों को समझिए ये तीनों बातें एक ही हैं अब यहां बोला एक से चालीस तक की सभी सम संख्याएं सभी संख्याएं नहीं बोला है सभी बोला है साथ में सम डाल दिया है तो सम का मतलब हो गया कि हम उसको लेने हैं जो दो से कटेंगे तो दो चार छ आठ ऐसे करके लिखते हम चले जाएंगे चालीस तक और ये गिनेंगे तो इसमें भी यन बराबर क्या मिलेगा बीस मतलब इस चीज को देखिए ये दोनों चीजें सेम लिखी हुई हैं ये लिखा हुआ है शब्दों में और ये लिखा हुआ है अंकों में कह सकते हैं शब्दों में अंकों में का चक्कर आप जानते हैं तो ये शब्द में लिखा हुआ है और ये अंक में लिखा हुआ है चलिए ये बात अगर समझ गए तो इसको लगाएंगे कैसे उसको भी समझ लीजिए पहला आप समझ लीजिए सूत्र से तो यहां पे सूत्र आपका है यन एन प्लस वन अगर आपने बीस लिया है तो यहां पे तो अगर ये ऐसे लिखा हुआ कि प्रथम बीस प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल एक तरीका ये हो गया लिखने का दूसरा तरीका ये हो गया लिखने का तीसरा तरीका ये हो गया लेकिन सब में क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है यन का मान क्या निकल के आएगा बीस यहां पर सीधे बोल दिया कि बीस है इसमें सीधे नहीं बोला था हमको गिनना पड़ेगा तो इसके लिए पूरा गिनेंगे तो टाइम लगेगा तो लास्ट में जो हमको दिया गया अब ध्यान से यहां पे बात समझिएगा जो लास्ट में हमको यहां पे दिया गया है लिखा हुआ है अगर इस तरह से तो लास्ट में जो लिखा है इसी में हम दो से भाग दे देंगे दो से भाग देंगे तो कई बार गया बीस बार इसका मतलब यन बराबर हम क्या लेंगे बीस अगर ऐसे लिखा हुआ है ध्यान दीजिएगा तो इसमें भी जो लास्ट में इसमें दो से भाग दे देंगे आ जाएगा अब समस्या है और प्रश्न आपके साथ बन सकते हैं कि गुरु जी, अगर अगर यहां पर 40 लिखल तो ठीक बा इकतालीस लिख दिए तब का करो तू तो दू से न कटी यहां पर भी मान लीजिए इकतालीस लिख दिया तो क्या करेंगे दू से तो नहीं कट रहा है तो समस्याएं आपके पास आएंगी लेकिन उस समस्याओं का निदान आपके पास ही है जैसे यहां पर अगर 40 41 लिख दिया तो आप पहले डिसाइड करिए कि 41 सम संख्या है कि नहीं है तो इकतालीस सम तो नहीं है ना विषम है तो विषम में कहा भाग दोगे आप आप क्या करोगे सम देखो और चूंकि हमको 41 तक बोला है तो 42 ले भी नहीं सकते 41 तक बोला है तो 42 नहीं ना ले सकते तो हम कहां तक लेंगे पहले आएंगे उससे पहले आएंगे तो चालीस मिलेगा फिर चालीस में आप दू से भाग देंगे तो क्या मिलेगा बीस ही मिलेगा फिर बराबर बीस हो जाएगा मतलब यह है कि हमको दो से भाग देना है अगर नहीं कटेगा तो सम संख्या में कहा आ जाना है पहले सम संख्या में जैसे यहां पे इकतालीस लिखा है तो पहले आ जाएंगे बाद में नहीं जाएंगे बाद में जाएंगे तब तो सवाल बन जाएगा बयालीस तक तब तो ऐसे ही गलत हो गया हमको निकालना है इकतालीस तक जैसे यहां पर एक से इकतालीस तक लेकिन इकतालीस हमारा दू से कट नहीं रहा है तो इकतालीस के पहले चालीस दू से कटता है तो उसको काट लेंगे छोड़ देंगे उसको तो ये शायद आप बात समझ गए कि यन का मान कैसे निकालना। जब यन का मान निकल जाए तो फिर सूत्र में यन का मान रख देना है बीस फिर बीस धन एक और यहां पे बीस यहां पे कुछ नहीं है तो गुड़े का चिन्ह बीस एक यहां पर इक्कीस और गूड़ा कर लेंगे दो एक कम दो दो दुना के चार जीरो को छोड़े थे यहाँ पे चिपका लेंगे ये गुड़ा हम आपको बहुत बढ़िया से कई बार सिखा चुके हैं कि जीरो का गुड़ा नहीं करते हैं जीरो को बाद में चिपका देते हैं केवल अंक का गुड़ा कर लिया दो एक कम दो दो दुना के चार और ये जीरो बाद में चिपका दिया तो ये हो गया चार सौ बीस जो आप हो हैं जाने है, मैं नहीं हूं आगे आइए यहां पे अगर इसी को सूत्र के बारे में नहीं सोचना है तो आप बस सीधा सोचिए कि जहां तक मुझे पूछा जा रहा है मतलब जितनी सम संख्या मेरे पास हो जा रही है वो सम संख्या पकड़िए उससे एक ज्यादा का उसमें गुड़ा कर दीजिए बस कुछ नहीं करना यन का मान सम मतलब 20 सम संख्या की बात किया है तो 20 और उसमें एक ज्यादा का गुड़ा कर देना आंसर आपका आ जाएगा इक्कीस दुना के बयालीस होता है और ये जीरो चिपका दिया तो चार आपका आंसर आ जाएगा ना 420 बहुत खतरनाक नंबर है 420 बहुत झपसटबाज लोगों को कहा जाता है जो गलत काम करते हैं ध्यान से इसको आप नोट कर लीजिए इसको समझ लीजिएगा अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कि विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है आज के लिए इतना है